तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश से हालात बदतर हो गए हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और जगह जगह पानी भरने से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से 4 जिलों में स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। स्कूलों के साथ साथ बैंक, प्राइवेट संस्थान और PSU को भी बंद रखा गया है। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, तेनकाशी और कन्याकुमारी शामिल है। बारिश की वजह से तिरुनेलवेली से चलने वाली 17 ट्रेनों को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द किया गया है। साथ ही रद्द ट्रेनों में वंदे भारत भी शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तूतीकोरिन आने वाली उड़ानों को भी डायवर्ट कर दिया गया है। पानी भरने से पेचिपराई, पेरुनजरानी, पपनासम डैम से पानी छोड़े जाने से हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, 4 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सभी स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों को, ऑफिस को बंद कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को खासी परेशानी हो रही है। जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनके घरों में पानी घुस गया है। सड़क पर घुटनों तक लोगों के पानी भरा है। आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। रेल यातायात पर असर पड़ा है, हवाई यातायात पर असर पड़ा है और सड़क यातायात पर भी असर पड़ा है। बहुत सी ट्रेनें हैं जिन्हें या तो कैंसिल कर दिया गया है या डाइवर्ट किया गया है। कुछ फ्लाइट्स को भी डाइवर्ट किया गया है और सड़क यातायात का भी बुरा हाल है। सड़कों पर पेड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में बहुत सी सड़कों पर रास्ता भी पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। राहत और बचाव कार्य लगातार वहाँ पर चल रहा है। जो टीमें लगी हैं, रेस्क्यू टीमें, उनको अलर्ट पर रखा गया है। जो लोगों को काफ़ी जो लोग फंसे हुए हैं कई जगहों पर, उन्हें निकाला जा रहा है। लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू टीम जगह जगह पहुंच रही है और लोगों से, प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है कि अगर ज़रूरी नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलें।